नॉलेज और आज की इस वीडियो में हम क्लास थर्ड इंग्लिश टेक्स्ट बुक का सातवां चैप्टर पढ़ने वाले हैं पॉइम है, है इस पॉइम को पढ़ेंगे और आखिर में इसके सवालों जवाब भी करेंगे वीडियो अच्छे से एंड तक देखनी है ताकि हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप इनके क्वेश्चन भी लिख पाओ ओके लेट स्टार्ट वीडियो चलिए आप स्क्रीन की तरफ ख्याल रखें हर एक लाइन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं एज द मैन पिकड paws। कहते हैं जैसे जैसे ही सारे लोग जो हैं सारे मर्द जो हैं सारे आदमी जो हैं उन्होंने अपने माइटी साज उठा लिए सा कहते हैं आरे को जिससे लकड़ियां काटी जाती हैं ठीक है जैसे आप ये देख रहे हो इसने हाथ में जो आरा उठा हुआ इसको सा कहते हैं इन्होंने बड़े बड़े आरे उठाए हुए थे और सारे जानवर जो है इनके सामने जाके फोल्डेड पाज से प्लीड कर रहे हैं प्लीडेड करना होता है ठीक है मतलब इमोशनली होके गिड़गिड़ाना हाथ जोड़ के इनके सामने ये गिड़गिड़ा रहे हैं ठीक है जैसे ये लकड़ियां काटने के लिए जंगल जाते हैं ये सारे जानवर आके इनके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं अपने फोल्डेड पाज से पाज कहते हैं पंजू को ओह प्लीज डोंट कट आवर ट्रीज डाउन टू मेक चीयर्स फॉर योर सेल्व इन द टाउन और ये जानवर जो है इन लोगों से क्या कहते हैं ये इनको अपने पैर जोड़ के अपने पास जोड़ के इनसे दरख्वास्त करते हैं गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके हमारे जंगलात जो हैं हमारे पेड़ जो हैं ये मत काटिए ठीक है डिफॉरेस्टेशन मत कीजिए अपने लिए चेयर्स बनाने के लिए अपने लिए फर्नीचर बनाने के लिए टाउन में शहरों में हमारे जंगलों को आप तबाह मत कीजिए हमारे जंगलों को आप डिस्ट्रॉय मत कीजिए ये जानवर इनसे कह रहे हैं क्योंकि यही जंगल हमारे घर हैं इन्हीं पेड़ों के नीचे हम रहते हैं और यही पेड़ हमारा साया बनते हैं ओके इफ यू कट एंड टेक अवर ट्रीज अवे बर्ड्स एंड स्कैरल विल हैव नो वेयर टू स्टे ये जानवर इन्हें कहते हैं कि अगर आप ये पेड़ काट के यहां से लेके चले गए तो यहाँ की जो बर्ड्स हैं यहाँ की जो स्कैरल्स हैं परिंदे हैं गिलहरियां हैं जो भी जानवर हैं उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी ठीक है ये सब खुद ब खुद ही खत्म हो जाएंगी जब हम क्या करेंगे जब किसी भी इकोसिस्टम की एक कंपोनेंट को हम डिस्ट्रॉय करते हैं एक चीज को डिस्ट्रॉय करते हैं तो दूसरी दूसरी चीज खुद अफेक्ट हो जाती है वो खुद खत्म हो जाती है अगर हमने जंगल खत्म कर दी ये बर्ड्स स्कैरल्स एनिमल्स जितने भी हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे देयर वुड बी नो शेड इन विच टू स्टैंड एंड द बर्निंग सन विल टर्न दर्थ टू स्टैंड ये जानवर इन्हें इन लोगों से कहते हैं कि अगर आपने पेड़ काट दिए तो कोई शेड नहीं रहेगी कहीं पे साया नहीं रहेगा कहीं पे छाऊ नहीं रहेगी और बहुत ज्यादा धूप रहेगी एंड बर्निंग बर्निंग सन जो ये जलता सूरज है विल टर्न अर्थ इनटू सैंड ये अर्थ कोई जमीन को क्या बना देगा ये जमीन को बंजर बना देगा ठीक है जहां पे ज्यादा धूप रहेगी वहां पे सैंड बन जाएगी पूरी जमीन और वहां पे फर्टाइल लैंड नहीं रहेगी बैठने के लिए छाव में कोई जगह नहीं रहेगी So the men took their saws away, and with happiness, all trees began to sway. और कहते हैं अब इन लोगों ने इन लोगों ने इन जानवरों की बात मान ली ठीक है उन्होंने अपने साज हटा लिए अपनी आरियां जो थी कटर जो थे वो हटा लिए और सारे जानवर जो है वो खुशी खुशी झूमने लगे और सारे ट्रीज वो भी झूमने लगे स्वे का मतलब क्या होता है हिलना डुलना थोड़ा यहां मूवमेंट करना इधर उधर इधर उधर उसको खुशी से उसको स्वे कहते हैं ये सारे पेड़ पौधे ये सारे जानवर जो हैं ये खुशी से झूमने लगे क्योंकि इन लोगों ने इनकी बात मान ली ठीक है ये पॉइंट लिखी है शफाली रे ने अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं ये क्वेश्चन है चैप्टर सेवन Uh, साज साज को प, आपको पता है साज कटर्स जो है आरी जो है उसको सा कहते हैं प्लीट का मतलब होता है गिड़गिड़ाना फोल्ड का मतलब होता है फोल्ड करना ठीक है बंद करना पा का होता है मतलब पंजा जानवर का स्कैल होती है गिलह, गिलहरी शेड का मतलब छाव एंड स्वे का मतलब हिलना थोड़ा मूवमेंट करना फ्लेक्चुएट होना जैसे पेड़ हिलते हैं चलिए विच इज योअर फेवरेट ट्री आपकी फेवरेट ट्री कौन सी आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से मैंने लिख रखा हुआ यहाँ पे चिनार जिसका चिनार होगा तो वो चिनार लिखेगा जिसका एप्पल ट्री होगा वो अपने अकॉर्डिंग लिखेगा वट इज इट कॉल्ड इन यूर मदर टंग आपकी मदर टंग में क्या कहते हैं इसे कश्मीरी में इसको बुइन कहते हैं हमने लिख दिया हुआ है बुविन टॉक अबाउट द ट्रीज फाउंड इन योर एरिया अपने एरिया के जो जहाँ जो ट्रीज पाए जाते हैं आपके एरिया में उनके बारे में कुछ बताइए मेनी ट्रीज फाउंड इन माई एरिया आई लाइक चिनार एंड एप्पल ट्रीज एज दे द्रू ओनली

ठीक है पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है मेवे मिलते हैं मेडिसिन दवाइयां मिलती हैं फोडर घास फूस मिलता है, है, है जानवरों के लिए ऑक्सीजन जो हम पीते हैं जिससे हम जिंदा हैं अगर ये ना हो तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे टिम्बर लकड़ी मिलती है मकान बनाने के लिए फर्नीचर बनाने के लिए और भी कई सारी चीजें मिलती हैं दूसरा क्वेश्चन है राइट डाउन द नेम्स ऑफ ट्रीज फाउंड इन योर रीजन उन ट्रीज का नाम लिखिए जो आपके रीजन में पाए जाते हैं जैसे चिनार ट्री है एप्पल ट्री है वॉलनट ट्री है ट्री है पाइनज है विलो है पॉपुलस है एट्सट्रा ये बहुत सारे पेड़ हैं जो हमारे इलाके में पाए जाते हैं ये आपको लिख लेने हैं फिर आजादी आपकी एक्टिविटी ये एक्टिविटी आप करेंगे अपने स्कूल में फिर एक राइम है मैं इस राइम को पढ़ा देता हूं सिंग द राइम माई अंकल हु इज थिक फाउंड अ लवली चिक ही पुट इट ऑन द स्टेक एज द चिक वॉज सिक कहते हैं कि मेरे अंकल को जो कि बहुत ही मोटा था थिक का मतलब था मोटा था फाउंड ए लवली चिक उसको एक बहुत ही खूबसूरत एक चूजा मिल गया चिक कहते हैं चूजे को मुर्गी के बच्चे को और ही पुट इट ऑन द स्टिक उसने इस चूजे को कहां रखा एक छड़ी के ऊपर रखा एज अ चिक वॉज सिक क्यों क्योंकि चूजा बीमार था सिक का मतलब होता है बीमार इट वॉज अ प्लीजेंट स्प्रिंग आई मेट अ हैंडसम किंग ही टोल्ड मी टू डांस एंड सिंग एंड गेव मी अ अल रिंग कहते हैं, स्प्रिंग था खुशगवार मौसम था खुशगवार मौसम बहार था और मैं एक खूबसूरत किंग से मैं एक हैंडसम किंग बादशाह से मिला ही टोल्ड मी टू डांस एंड सिंग उसने मुझे कहा डांस करने के लिए नाचने के लिए और सिंग गाना गाने के लिए एंड गेव मी ए ब्यूटीफुल रिंग और उसने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत दायरा दिया रिंग दी ठीक ओके रीड अलाउड द वर्ड्स विद इन विद द लेटर साउंड्स लेटर साउंड से आपको इन वर्ड्स को पढ़ना है जैसे सी के से कुछ लेटर्स एंड होते हैं एन जी से एंड होते हैं जैसे सिक टेक क्लिक स्टिक प्रिक ठीक है सैक रैक पैक स्टैक ब्लैक इनको राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है क्या कहा जाता है राइमिंग वर्ड्स डक लक ट्रक टक प्लग स्ट्रक रॉक लॉक क्लॉक क्लॉक शॉक ऐसे और भी है यहां पर रिंग किंग बिंग स्टिंग स्विंग थिंग सैंग रैंग फेंग बैंग हैंग पैंग सॉन्ग रोंग स्ट्रोंग अलोंग लॉन्ग बिलोंग लंग, संग स्टंग स्प्रंग रंग हंग ये कुछ राइमिंग वर्ड्स हैं। आगे फिलिंग द ब्लैंक्स एन एनजी लेटर साउंड जहां एन एनजी आ जाएगा तो वहां एन एनजी लिखना और जहां के आएगा वहां के लिखना लिखने है और ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने वंस अपन टाइम वाज अ किंग किंग आएगा तो एनजी आएगा क्लास में हु रोट हु डायमंडर अ डायमंड रिंग ही वॉज वॉकिंग इन द गार्डन The birds sang a ए and एंड बी buzzed हियर एंड there. There was ए स्विंग इन द गार्डन एंड a ब्लैक कैट sat ऑन इट द चिक ऑन द रॉक rock. द white डक quacked एंड द येलो चिक clucked. तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा हम मिलते हैं अगली वीडियो में और हाँ कमेंट सेक्शन में जरूर अपना नाम और अपने स्कूल का नाम बता दीजिए ताकि हमें भी पता चले कि कहां कहां से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं